नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ हैं शिवसेना बाल ठाकरे से पंजाब के लोक प्रतिनिधि श्री हरीश सिंगला जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हरीश जी, आजकल हिंदू मंदिर एक्ट बहुत जोर शोरों से चल रहा है, क्या इस हिंदू मंदिर एक्ट के पास हो जाने के बाद में जो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको कोई फायदा होगा? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हिंदू मंदिर एक्ट बनाने के लिए किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जनता पार्टी ही राज 1977 में आया, उसके बाद भाजपा भी आई, भाजपा ही सरकार आई, फिर मनमोहन सिंह सरकार आई, अब मोदी साहब की सरकार आई, किसी ने कभी मंदिर एक्ट बनाने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये तो वोटों की राजनीति है। जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, मंदिर एक्ट बनाने का मुद्दा नहीं चल रहा, राम मंदिर बनाने का मुद्दा चल रहा है। अगर आज मंदिर बन जाएगा तो लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसी कारण ये भाजपा वाले राम मंदिर नहीं बनाना चाहते। इस मंदिर एक्ट का और क्या फायदा होगा? ये तो राम मंदिर का मुद्दा बना रखा है। मंदिर एक्ट तो जैसे हमारे SGPC है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी, उसी तर्ज पर मंदिर एक्ट बनना चाहिए जो हमारे पंजाब में है। पंजाब में जो रियासतें थी, जो राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर थे, वो देश आज़ाद होने के बाद सरकार की प्रॉपर्टी बन गए। हमारे पंजाब के 4 जिलों में धर्म अर्थ डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ है। अभी तक पंजाब सरकार ने धर्म अर्थ बोर्ड नहीं बनाया कि वो धर्म अर्थ शाखा जो है वो पूरे पंजाब में लागू नहीं है। जैसे मेरे पटियाला है, तूरी है, कपूरथला है, जो रियासतें थी हमारे पंजाब की, सिर्फ उनमें लागू है और उसके चेयरमैन जो हैं डिप्टी कमिश्नर होते हैं जी। भी अभी मंदिर एक्ट वाली तो कोई सरकार बात ही नहीं करती। मैं स्पष्ट कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं। सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोग सारे समाज को साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाएं, तभी मंदिर एक्ट की स्थापना हो सकती है। आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? शिवसेना हमेशा ही इस बात की मांग करती है कि मंदिर एक्ट बनना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट हज करने वालों को काफ़ी फैसिलिटी देती है, सब्सिडी देती है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं अमरनाथ यात्रा होती है तो वहाँ पे पंजीकरण के नाम पर उनसे शुल्क लिया जाता है, तो क्या ये शुल्क लेना ज़रूरी है? किसी को केंद्र सरकार कोई सब्सिडी देती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर जो जजिया टैक्स अमरनाथ यात्रा पर लगाया जाता है उस पर हमें सख्त इतराज है। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम सब्सिडी नहीं मांगते, हम नहीं कहते कि हमें सब्सिडी की ज़रूरत है, पर हमारे ही देश में हमें जजिया टैक्स देकर यात्रा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए कहीं पर भी जाना मना नहीं होता है। ऐसे ही आप चाहे वो किसी गुरुद्वारे में देख लो उनको, या कहीं भी, मतलब चर्च में देख लो, कहीं भी देख लो, उनका जाना कहीं नहीं रोक टोक नहीं है उनके जाने पे। ऐसे ही हज जाने पर हिंदुओं का जाना मना है, क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। तो देखिए, पाकिस्तान ने अभी भी क्या किया, जो करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोल रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब के सिख ही गुरु नानक द्वार पर आकर माथा टेक सकते हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 200 गुरु ग्रंथ साहब हिंदू समाज के लिए जितनी रामायण पूजनीय है उससे ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब पूजनीय है। कि पाकिस्तान तो हमेशा ही हिंदू मुसलमान में फ्रिक्शन डाल के रखना चाहता है
और हमारी लड़ाई हमेशा ही, आप इतिहास देख लीजिए, हिंदुस्तान का मुग़लों के साथ ही रही। मुग़लों ने ही हमारे पर तशद्दुद किए, हमारे देश में ज़्यादा टाइम उन्होंने राज किया, इसलिए वो लोग तो ऐसी बातें करते ही रहेंगे। क्या हिंदू मंदिर एक्ट में इस मुद्दे को शामिल किया जाना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदू मंदिर एक्ट बनेगा तो प्योर तरीके से ही बनेगा। हिंदू मंदिर एक्ट में क्या क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सनातन मंदिरों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है, उनसे उन मंदिरों को मुक्त करवाना चाहिए। और आगे से जहाँ पर धार्मिक स्थान का निर्माण हो जाए और उसकी रजिस्ट्रेशन एक मंदिर के तौर पर या एक धर्मशाला के तौर पर हो जाए, उसमें किसी निजी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हिंदू मंदिर एक्ट पारित करवाने के लिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, वो सभी एक मंच पे आकर के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू मंदिर एक्ट पास करवाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कोई प्रयास नहीं करता, सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे आकर वो लोग बोलते हैं। आज तक मैंने किसी राजनीतिक संगठन को मंदिर एक्ट के लिए कभी कोई धरना लगाते, कभी कोई प्रोटेस्ट करते मैंने नहीं देखा। क्या शंकराचार्य जी के साथ साथ हिंदुओं का भी संगठित होकर के ये मांग करना जरूरी है? जब तक ये लोग संगठित नहीं होंगे, सबसे पहले 13 अखाड़े, चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज, ये संगठित हो जाएंगे, कोई ना कोई जो हिंदू है वो किसी ना किसी रूप में इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो अपने आप संगठित हो जाएगा। अगर ये लोग इकट्ठे होके कोई प्रयास करेंगे तो हिंदू मंदिर एक्ट तो 1 हफ्ते में बन जाएगा। अगर हिंदू मंदिर एक्ट बन जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे देश को होगा कि जो पैसा हमारे मंदिरों में चढ़ता है, उन प्रॉपर्टियों का आता है, वो सारा पैसा देश की डेवलपमेंट पर, हमारे सनातन धर्म के प्रचार के लिए, मैंने आपको पहले बोला कि हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे और बड़ा कुछ हो सकता है, कि वो पैसा सही जगह पे लगने लगेगा और हमारे सनातन धर्म का उसमें नाम होगा। हिंदू मंदिर एक्ट का आंदोलन जो है बहुत जोर शोरों से चल रहा है, जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे आता है उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं कि ये कैंपेनिंग हमने शुरू करी। ये नहीं पता है कि ये कैंपेनिंग किसने शुरू करी, ना ही इससे कोई मतलब है कि किसने ये कैंपेनिंग शुरू करी, मगर इस कैंपेनिंग को आगे तक कौन ले जाता है और इस कैंपेनिंग के जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मांग करते हैं, मांग जो लॉजिक होनी चाहिए। जब मैं हिंदुस्तान के मंदिर का मंदिर एक्ट नहीं बनवा सकता, मैंने आपको बोला कि उसके लिए चारों शंकराचार्य जिस दिन ये मांग करेंगे, जिस दिन वो लोग आंदोलन करेंगे, 1 हफ्ते में मंदिर एक्ट बन जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ शंकराचार्य जी पे डिपेंड करता है? हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये सब कुछ हमारा चार पीठ पर ही खड़ा है, चारों शंकराचार्य पर ही खड़ा है। मतलब ये कि शंकराचार्य जी चाहें तो हिंदू मंदिर एक्ट जल्दी बन सकता है, वरना इसको बनने में काफी टाइम लग जाएगा। उनके बिना बन ही नहीं सकता। आपकी पार्टी क्या चाहती है? हम तो चाहते हैं कि बनना चाहिए, बनना चाहिए, जल्द बनना चाहिए जी। तो इससे क्या फायदा होगा, एक आम हिंदू को क्या फायदा होगा, या मंदिरों की जो अवस्था है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो मंदिर है उनको क्या फायदा होगा? मंदिरों का पैसा मंदिर पर खर्च होने लगेगा। आप जैसे मेरे पटियाला में श्री काली माता मंदिर है जी, इसका करोड़ों रुपया बैंकों में एफडी करा के रख रखा है जी। हम कई बार बोलते हैं कि इस पैसे से आप कोई डेंटल कॉलेज खोल दो, कोई मेडिकल कॉलेज खोल दो, कोई यूनिवर्सिटी खोल दो माता के नाम से जी, लेकिन
ध्यान नहीं देता कोई। मतलब आपके कहने का ये है कि हिंदू मंदिर एक पारित हो जाता है तो उस पैसे का सदुपयोग आसानी से किया जा सकेगा। श्री हरीश सिंगला जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।